शायद गलती से नाम आ गया है, लेकिन जब कंफर्म हो गया कि नहीं नाम है, तो मैंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं थोड़ी देर वचन से भाई के घर में क्या बात करूं। मैं धन्यवादित हूं पिता परमेश्वर के साथ साथ अपने पासवानों का, रेवरेंड एस के मसीह साहब का, रेवरेंड नंदा, रेवरेंड एडमंड साहब का, और अपने चेयरमैन साहब मिस्टर ध्यानदेव ढिल्लू साहब का, जो इस लायक समझते हैं कि प्रोग्राम में या कहीं पे परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि कलाम से बातचीत कर सकूं, क्योंकि मैं मुझे मालूम है ये कलाम जो है ये दोधारी तलवार है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत मुश्किल है परमेश्वर के वचन पर चलना। कह देना बहुत आसान है, लेकिन चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है ये तो। और हम लोग जो खुदा के कामों में लगे रहते हैं या कोशिश करते हैं काम करें, हम लोगों पे ज्यादा आजमाइशें आती हैं। ये बहुत जरूरी है। जो ये तीन आयतें आपके सामने पढ़ी गई, ये खुदावन यीशु मसीह अपने आखिरी दिनों में है जब वो क्रूस पे चढ़ाया जाए। उसके खिलाफ याजकों ने, शास्त्रियों ने योजना बना ली थी, षड्यंत्र रच लिया था कि वो किस तरीके से उसे पकड़े और मार डालें। अगर तीसरी आयत को आप देखेंगे तो उसमें लिखा है शैतान यहूदा में समाया, जबकि यहूदा इस्करियोती खुदावन यीशु मसीह का अपना चेला था। और कई बार हमने इस बात को देखा है कि अपने जो हैं वो ज्यादा दगा दे जाते हैं। कश्ती और घर हमेशा अंदर के पानी से डूबते हैं, बाहर का पानी, समुद्र का पानी उसे नहीं डूबा पाता। अगर आप और बात करें तो जीवन में ये देखा जाता है कि अक्सर वही लोग आपको डुबोते हैं जिनको तैरना आप सिखाते हैं। ये यहूदा इस्करियोती जो था, इसके अंदर शैतान समाया, और ये खुदावन यीशु मसीह की टीम का अपना मेंबर है। अगर आप दो तीन मिसालें दुनियावी भी देखेंगे, इंदिरा गांधी को भी जो मारा गया तो उनके बड़े विश्वास पात्र उनके सैनिक थे। इंटेलिजेंस ने यह खबर दे दी थी कि इन दोनों को हटा दीजिए अपनी सुरक्षा से, बट शी रिफ्यूज्ड, क्योंकि वो जानते थे मेरे बड़े वफादार हैं। इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि ये दोनों जो हैं ये गड़बड़ हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का भरोसा उनके ऊपर था, लेकिन उन्होंने ही दगा दिया। सद्दाम हुसैन को अमेरिका की इंटेलिजेंस पकड़ नहीं पा रही थी, तीन चार महीने लग गए थे उनने पड़ाव डाले हुए। सद्दाम हुसैन को पकड़वाने वाला उसका अपना ट्रांसलेटर था। बहुत मुश्किल थी अमेरिका के इंटेलिजेंस को वहां तक पहुंचना। ये कुछ मिसालें ऐसी हैं, और मेरे और आपके जीवन में भी आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि शैतान किस तरीके से समा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि चौथी आयत में कि यहूदा इस्करियोती खुद याजकों के पास गया है, वो नहीं आए उसके पास, चाहे मत्ती में दिया हो चाहे मरकुस में जिक्र है, वो खुद उनके पास गया है। कितना गिर